नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास दीक्षित। भारत और चाइना के बीच चल रही तनातनी को लेकर अब भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। हाल ही में चीन से तनाव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पत्र में कहा है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, यह समय एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने का है। उन्होंने यह भी कहा कि 15-16 जून को गलवान वैली में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों व उनके परिवार के कृतज्ञ हैं, लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों के द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। कहा जा रहा है कि चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारत की सीमा में गलवान वैली में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों व दबाव के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को और अधिक बल नहीं देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने व स्थिति को और ज़्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी, हिंदुस्तान की आवाज़।